भगवान को भक्ति चाहिए, भक्ति भाव से भरा भक्त चाहिए। उसी प्रकार गुरु को क्या चाहिए? ज्ञान की भूख रखने वाला एक योग्य शिष्य, जिसे शिक्षा देकर ये गुरु भी धन्य हो जाए। लगता है मेरा शिष्य बनने योग्य कोई सुपात्र है आपके मन में? हाँ गुरुवर, संभव है। जिस बालक की हम चर्चा कर रहे हैं वही आपका शिष्य बनने योग्य हो, क्योंकि वो तो सर्वथा विलक्षण विशेष है। माँ, मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। देखो ना, मेरा हृदय बोल रहा है। तुम्हारा हृदय क्या बोल रहा है पुत्र? मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हृदय में बस एक ही नाम की धुप है, राम। गुरुवर, कोई भी शिशु अपने रुदन से जन्म लेने का संकेत उत्पन्न करता है, किंतु जिस बाला की बात मैं कर रहा हूं उसने अपने जन्म लेने का संकेत राम बोल कर दिया था। प्रभु श्री राम का नाम, अर्थात जन्म से ही उसके हृदय में भक्ति का भाव है। लगता है प्रभु श्री राम के नाम में तुम्हारी अपार श्रद्धा है, तभी तो जन्म के साथ तुमने नाम लिया था उनका। माँ, मुझे मेरे जन्म के बारे में बताइए ना। उसका जन्म पूरे 32 दांतों के साथ हुआ है। 32 दांत मनुष्य को जीवन के उस चरण में प्राप्त होते हैं जब वो संसार में जीने का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुका होता है। अर्थात प्रभु की विशेष कृपा है मुझ पर। हाँ, प्रभु सदा तुम्हारे साथ है पुत्र, इसलिए जीवन में अपने आप को कभी अकेला मत समझना। जौहरी ही हीरे को पहचान सकता है, और गुरु एक योग्य शिष्य को, किंतु उसके लिए तो मुझे उस बालक से मिलना होगा, उसे परखना होगा। कहाँ मिलेगा वो मुझे? सुकर क्षेत्र दिशा की ओर जाइए, वहीं उस अद्भुत बालक का जन्म हुआ है। यदि ये वही सुपात्र शिष्य हुआ जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, तो आप दोनों स्वयं प्रभु महादेव और माता पार्वती बनकर मेरे जीवन के उद्देश्य की दिशा दिखाने हैं। माता, आप दोनों मेरे सामने थे लेकिन मैं समझ नहीं सका, लेकिन अभी जान गया हूं प्रभु, आप दोनों ने मेरे पे कृपा की। अब मैं तनिक भी विलंब नहीं करूंगा और इसी क्षण सुकुर क्षेत्र की दिशा में जाकर उस बालक को ढूंढ कर अपना शिष्य बनाऊंगा। हे प्रभु, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना बेटा? हाँ माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, मैं लकड़ी ले आकर तेरे लिए कुछ पका देती हूँ। माँ, लकड़ी मैं ले आता हूँ। हे प्रभु, क्यों जाने दिया अपने कोमल पुत्र को? राम बोला भी अबोध है, उसे इस बात का कहाँ ध्यान होगा कि लकड़ी में भी कांटे हो सकते हैं, कहीं उसकी हथेली में चुभ गया तो। रुको रुको पुत्र, रुक जा, इसे मैं उठाऊंगी, तुम्हें कांटों की चुभन का आभास नहीं होने दूंगी। क्या हो गया माँ?
लगता है इसी दुष्ट पाप ने माँ को डसा है। माँ, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। माँ मैं अभी किसी को सहायता के लिए बुलाता हूँ, कोई अवश्य आएगा। कोई कोई है? कोई कोई मेरी सहायता करो, देखो ना माँ को क्या हो रहा है, कोई मेरी सहायता करो, कोई है? कोई नहीं सुन रहा, मैं मेरी माँ की रक्षा कैसे करूँ? पुत्र मेरे पास आओ पुत्र। माँ मेरे पास अब कुछ ही समय बचा है, ईश्वर को यही मंजूर है, तुम इसे रोकने का प्रयास मत करो पुत्र। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं किसी को सहायता के लिए बुलाता हूँ, कोई अवश्य आएगा। कोई है? भीमा काका, भीमा काका द्वार खोलिए ना, भीमा काका देखिए ना माँ को क्या हो गया, भीमा काका, भीमा काका। गंगा मौसी, गंगा मौसी द्वार खोलिए, माँ माँ को क्या हो गया देखिए ना, हमारी सहायता कीजिए, कोई है? गंगा मौसी द्वार खोलिए ना, काका 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 द्वार खोलिए ना, काका हमारी सहायता कीजिए ना, देखिए ना माँ को क्या हो गया, काका हमारी सहायता कीजिए। पुत्र माँ, काका पुत्र, माँ पुत्र, माँ माँ आपको कुछ नहीं होगा माँ। तुम्हें चिंता मत करो पुत्र, मेरा बस कहा याद रखना। नहीं माँ, तुम मेरी चिंता नहीं माँ, माँ आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। माँ उठिए इधर, माँ। मुनिया के साथ भी यही हुआ जो इसकी माँ के साथ हुआ था। अब जो माँ के लिए अशुभ है वो मुनिया के लिए तो होगा ही ना। हाँ, मुनिया को भी मार ही डाला इसने, इसका तो साया भी नहीं पड़ना चाहिए। नहीं नहीं, मैंने मेरी माँ को नहीं मारा, मेरी माँ को सांप ने काटा, सांप के विष से मेरी माँ का अंत हुआ, मैंने मेरी माँ को नहीं मारा है। सांप भी मुनिया के घर ही आया, तुम अशुभ हो इसलिए ना। अरे इसे तो अपने निकट भी नहीं आने देना चाहिए। हाँ हाँ, इसे निकट नहीं आने देना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए, हाँ हाँ, इसे निकट नहीं आने देना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए, हाँ हाँ, इसे निकट नहीं आने देना चाहिए, अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। मेरी माँ ने कहा जिसका कोई नहीं होता उसके साथ स्वयं भगवान होते हैं। मेरी माँ ने यह भी कहा था कि वो सदैव मेरे साथ रहेंगी, मेरे हृदय में, मुझसे बातें भी करेंगी। सत्य है स्वामी, कलयुग अपनी चरम की ओर बढ़ रहा है। सहानुभूति के स्थान पर सभी राम बोला का उपहास कर रहे हैं। इस घोर कलयुग में ये कैसा पतन है धर्म का। हाँ देवी, इसीलिए इस युग में जो धर्म का अनुसरण करेगा उसे अकेले अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। फिर जो अंगारों पर चलकर आगे बढ़ेंगे, जो कष्टों की अग्नि में तपेंगे, वही निखर कर कुंदन बनेंगे और महानता को प्राप्त होंगे। इसीलिए ना तो मैं अकेला हूँ और ना ही अशुभ, ना तो मैं अकेला हूँ और ना ही अशुभ। मुनिया उसका अंतिम सहारा थी, आज वो भी चली गई, अब तो सर्वथा अकेला रह गया है वो। बड़े दुख की बात है, किंतु उससे भी अधिक दुख की बात ये होगी यदि भैया उसे यहाँ ले आए और भैया को कुछ हो गया तो। इसी वजह से तो पूरा गांव उसको अपने नजदीक नहीं आने देता है। मेरे पुत्र पर महादेव और माता पार्वती की कृपा है। स्मरण रहे स्वामी, अशुभ नहीं है मेरा पुत्र। मृत्यु से पहले मेरी उनसे के ये अंतिम शब्द थे, अशुभ नहीं है मेरा बेटा, ईश्वर की कृपा है उस पर।
दूर से ही उसकी सहायता कर दीजिए। मुनिया के अंतिम संस्कार के लिए धन भेज दीजिए और प्रभु की कृपा तो उस पर है ही, तो प्रभु उसका ध्यान रखेंगे और हमें भी ज्ञात हो जाएगा कि भाभी माँ के शब्द सत्य थे या मिथ्या। तो अनाथ हो जाने पर भी रामबोला को पिता का आश्रय नहीं मिला? नहीं, पिता आत्माराम ने जो निर्णय लिया था उस पर वो अटल थे। फिर क्या हुआ प्रभु? अब वो बालक पूर्ण रूप से अकेला था। माँ, मैं तुम्हारे सामने रहूं या न रहूं, पर तुम्हारे हृदय में सदा रहूंगी। मैं वहीं से तुमसे बातें करूंगी, तब तुम्हें तुम्हारे हृदय की भाषा समझ आने लगेगी। अब मैं उसे अकेला नहीं देखना चाहती स्वामी, अब शीघ्र ही नर हरिदास को उसके निकट पहुंचना चाहिए। आप लोग रुक क्यों गए? कोई आगे क्यों नहीं जा रहा है? गुरु महाराज, ऐसे तूफान में पर्वत शिखर की ओर जाना उचित नहीं है, इसीलिए हम तूफान के रुकने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उचित होगा कि आप भी हमारे साथ यहीं रुक जाइए। मित्र, मुझे बड़ी भूख लगी है, क्या मुझे एक काम मिल सकता है? माँ ने कहा है कि रामबोला से दूर रहो। चलो मित्रों। मैंने ऐसा क्या किया है? कोई मुझसे बात क्यों नहीं करता? कोई मेरे निकट क्यों नहीं आता है? भिक्षा हम देही। यहाँ तो मुझे भी खाने के लिए कुछ मिल सकता है। मुझे भूख लगी है, क्या मुझे भी दान मिल सकता है? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। रुको, पहचानती नहीं हो क्या इसे? राम बोला है ये, अशुभ बालक राम बोला। क्षमा करना पुत्र, मैं तुम्हें भोजन नहीं दे सकती, कृपया चले जाओ यहाँ से। स्वामी, राम बोला जैसे निर्मल हृदय के बालक का दुख मुझे देखा नहीं जा रहा। दिया, किसी ने भी मुझ पर दया नहीं दिखाई। मुझे बहुत भूख लगी है माँ, कुछ रास्ता दिखाइए ना, मैं क्या करूंगा? पुत्र, तुम्हें कष्ट में देखकर मेरा हृदय भी द्रवित हो रहा है। चली गई माँ।
महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो और तूफान बढ़ने वाला है, आगे जाना सुरक्षित नहीं है गुरुवर। आपने कहा था मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा, किंतु मैं अकेला क्यों हुआ? भगवान क्यों नहीं है मेरे साथ? माँ बहुत देर लग रहा है, माँ बहुत भूख भी लग रही है, आप कहाँ चली गई माँ? भगवान तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे राम बोला, तुम्हारे लिए स्वयं देवी अन्नपूर्णा आ रही है। आप अपने प्राण संकट में क्यों डालना चाहते हैं? प्रकृति के आगे तो सबको झुकना पड़ता है गुरुवर, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा क्यों नहीं कर लेते गुरुवर? नहीं, मुझे अभी जाना है। इतना भी क्या आवश्यक कार्य है गुरुवर जो आप अपने प्राण संकट में डाल रहे हैं? गुरु के लिए योग्य शिष्य ही उसके प्राणों के समान, अब उसे ढूंढने में विलंब नहीं कर सकता। विचित्र विडंबना थी जिसे सभी अशुभ ठहरा रहे थे। स्वयं संसार को शुभता प्रदान करने वाली माता पार्वती उसका ध्यान रख रही थी और उसकी दिव्यता सदगुरु नरहरि दास जैसे महान व्यक्तित्व को आकर्षित कर रही थी कि वो उमड़ते तूफान की चिंता किए बगैर आगे बढ़ते चले गए। जब दिव्य शक्तियों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है तो व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा मिल जाती है। माता और गुरु नरहरि दास राम बोला के जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाले थे। राम बोला के एक महान भक्त और महान संत गोस्वामी तुलसीदास बनने का मार्ग खुलने वाला था। क्या माता पार्वती ने राम बोला का नाम तुलसीदास रखा था प्रभु? माता तो वहाँ गई थी राम बोला के प्रति ममता के भाव से प्रेरित होकर। आपने कहा था आप सदा मेरे साथ रहेंगे, भगवान मेरे साथ रहेंगे, फिर आप तो मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया माँ? बहुत डर लग रहा है माँ, बहुत डर लग रहा है। आप कौन है? आप तो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ कहाँ है? जगत जननी तो माताओं की माता है, सभी उसी की संतान है। मुझे लगा मेरे इतने पुकारने पर मेरी माँ लौट आई, पर आप तो मेरी माँ नहीं है। आप तो आई है पर मेरी माँ स्वयं क्यों नहीं आई? जब उनकी ममता सागर की भांति उमड़ने लगती है तो ज्ञान और शक्ति की स्वामिनी जगत जननी के लिए एक अबोध बालक के सरल प्रश्नों के उत्तर देना भी
कठिन हो जाता है। कुछ तो बोलिए, मेरी माँ मुझे देखने स्वयं क्यों नहीं आई? कहाँ है वो? बोलिए ना, मेरी माँ क्यों नहीं आई? मैं बताता हूँ। पुत्र राम बोला, माँ एक ऐसा अमोघ मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से ही सारे कष्ट मिट जाते हैं। वेदों में माँ को अंबा, अंबिका, दुर्गा, सरस्वती, ज्योति, शक्ति, पृथ्वी आदि नामों से संबोधित किया गया है। इसके अलावा माँ को माता, मात, मात्री, अम्मा, जन्मदात्री, जीवनदायिनी, जनयत्री, धात्री, प्रसु आदि नामों से भी पुकारा जाता है। ये मुनिया तो नहीं, किंतु यदि तुम इन्हें ध्यान से देखोगे तो इनमें माँ और ममता दोनों दिखाई पड़ेंगी। ब्राह्मण देवता, आप कौन है और क्या आप मेरी मां मुनिया को जानते थे? मैं भोला हूं पुत्र, और ये मेरी अर्धांगिनी गौरी। तुमने ठीक समझा, हम तुम्हारी माता को जानते थे। अच्छा, तो आप सखी हैं मेरी माँ की? हाँ पुत्र, कुछ ऐसा ही समझ लो। और मेरी माँ तो स्वर्ग से डर गई, बहुत अच्छी थी ना वो। भगवान अच्छे लोगों को ही अपने पास बुला लेते हैं। आपने आने में देर कर दी, वो तो नहीं मिलेंगी अब। अब आने का कोई लाभ नहीं, मैं तो अकेला ही हूं। राम बोला, तुम्हें स्मरण है ना तुम्हारी माता ने तुम्हारे अकेले होने को लेकर क्या कहा था? हाँ, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ? वही याद करके तो मैं मेरी माँ को बुला रहा था। मेरी माँ ने कहा है वो सदैव मेरे हृदय में रहेंगी, मुझसे बातें करेंगी, और भगवान भी मेरे साथ रहेंगे, मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ पुत्र, तो यही समझ लो, हम यहाँ प्रभु की इच्छा से ही आए हैं तुम्हारे अकेलेपन को मिटाने। जब तक ये बारिश नहीं थम जाती, हम यहाँ रुक जाएं तुम्हारे पास। मेरी माँ कहती थी अतिथि देव भव, अतिथि भगवान होते हैं, और मैं भगवान का अपमान कैसे कर सकता हूँ? आइए, आपका स्वागत है, आइए। माँ सच कहती थी, देखिए ना आपके आते ही दिए जल उठे, आप सचमुच अतिथि के रूप में भगवान ही हो। किंतु माँ ने सिखाया अतिथि की सेवा करनी चाहिए, पर घर पर तो कुछ है ही नहीं। मैं भी भूखा हूँ और आपको भी भूखा ही रहना होगा। हाँ, मैं आपके लिए जल ले आता हूँ। बस ये जली है, वही दे रहा हूं। तुम चिंता मत करो पुत्र, मैं कुछ पका लूंगी और हम सब मिलकर खा लेंगे। तो घर पे तो कुछ है ही नहीं, आप क्या पकाएंगे? सारे भोजन पात्र भी खाली हैं। मैं पहले एक बार देख तो लूं, हो सकता है मुझे कुछ मिल जाए। यदि उसमें भी कुछ नहीं हुआ तो? जहां निराशा का कोई कारण ना हो, वहां आशावान ही रहना चाहिए।
क्योंकि जब निराशा अपने द्वार बंद करती है तो आशा में ही संभावनाएं छिपी होती हैं। नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी। क्या हुआ पुत्र? पावन करी। इसमें तो बस थोड़े ही चावल हैं। इसमें आप क्या पकाएंगी? इस पात्र में केवल चावल है। ये तुमसे किसने कहा? काशी पुराधीश्वरी भिक्षा इसमें तो गुड़ भी है। हाँ, अब गुड़ मिल गया तो लगता है कि मैं अब गुड़ चावल बना सकती हैं। तो शीघ्र बना दीजिए ना, मुझे बहुत भूख लगी है माँ। ये क्या, मैंने तो इनको माँ बुला दिया। मुझे माँ पुकारने पर दुखी क्यों हो रहे हो पुत्र? आओ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए गुड़ चावल बना देती। अब मैं अपने पुत्र को अपने हाथों से खिलाऊंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकते पुत्र? मेरी माँ ने सिखाया, सर्वप्रथम भोग भगवान को चढ़ाना चाहिए। मैं अभी देती हूँ पुत्र। ये लीजिए प्रभु, ये भोग स्वीकार कर लीजिए। रामबोला ने जो प्रसाद प्रभु श्री राम को चढ़ाया वो तो प्रभु महादेव और माता पार्वती के पास कैसे पहुंच गया? रामबोला ने प्रभु को जो भोग चढ़ाया उससे एक बड़ा रहस्य भी तो उजागर हुआ कि प्रभु श्री राम के दरबार में चढ़ा प्रसाद प्रभु श्री राम को ही नहीं अपितु उनके साथ पिता श्री प्रभु महादेव और माता पार्वती को भी प्राप्त होता है। अब आप मुझे खिला दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। ये लो पुत्र, जल पी लो। क्या हुआ? मुझे प्यास क्यों लग रही? जल ही, इस पात्र में भी जल रही। चाहिए मुझे। क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है ना? ये सारे पात्र खाली क्यों है? आज किसी ने भोजन तक नहीं दिया मुझे। ये तो छोड़ो, एक बूंद जल तक नहीं है। भैया ये लीजिए जल। ये खाली पात्र है। प्रयास कर रहे हो मेरे साथ? कब से भूखा प्यासा हूं और यहाँ पर किसी को कोई चिंता ही नहीं है। नहीं भैया, कल रात्रि आपने मेरे साथ बैठकर भोजन किया था और ये पात्र जल से भरे हैं। भैया ये सारे पात्र जल से भरे हुए हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे ऐसा भ्रम क्यों हो रहा है कि जैसे मैं कितने समय से मैं
खाया पिया तक नहीं। पूरा गांव उसको अपने नजदीक नहीं आने देता है। अब तो सर्वथा अकेला रह गया है वो। समझ गया मैं, मुझे ऐसी भूख प्यास क्यों लग रही है उसका कारण समझ गया मैं। क्या कारण है भ्राता? ये मेरे किए का ही फल है। ना मैंने कभी उसकी भूख की और ना प्यास की चिंता की। किसे भैया, किसकी बात कर रहे हैं आप? और किसे छोड़ा मैंने, मेरा अशुभ पुत्र, उसी की बात कर रहा हूं मैं। भैया आप अधिक मत सोचिए, अधिक सोचने से आपके दिमाग पर असर पड़ रहा है। नहीं, मुझे उसके पास जाना, मुझे उसके पास जाना है। आज आप दोनों आए, पहली बार मुझे पता चला कि माता और पिता दोनों का स्नेह कैसा होता है। मैंने तो बस बचपन से ही अपनी माँ को ही देखा है। मेरी माँ ने तो मुझे मेरे पिता का परिचय भी नहीं दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता वो कौन है, कहाँ है, है भी क्या नहीं? नहीं, मुझे मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके पास जाना है। भूल कर भी ऐसा मत कीजिएगा, मैं आपको उसके पास जाने नहीं दूंगा। जिसका जन्म ही अशुभ हो उसके कारण मैं अपने भाई को नहीं खोना चाहता। आपका दुख मैं समझता हूं भैया, किंतु मैं भी अपने स्थान से नहीं डिगने वाला। इस अशुभ बालक को घर में आने देकर आपका, इस घर का सर्वनाश नहीं होने दे सकता। परिस्थितियां कभी कभी ऐसी हो जाती हैं कि व्यक्ति अपने मूल स्वभाव के विपरीत आचरण करने पर विवश हो जाता है। पिता पुत्र से मिलना चाहते थे किंतु उन्हें शंका थी, इसलिए वो उसके पास नहीं गए। उधर दूसरी ओर ये दुर्भाग्य बालक राम बोला का सौभाग्य भी बन गया। पिता नहीं थे उसके निकट, तो स्वयं जगत पिता प्रभु महादेव पिता बनकर उसका ध्यान रख रहे थे। पुत्र अब अपनी आंखें बंद कर सोने का प्रयास करो। नहीं, मैंने कहा ना आंखें बंद करो। क्यों आंखें नहीं बंद करोगे? क्योंकि अब तो बारिश भी थम गई है, यदि मैं आंखें बंद करके सो गया तो आप दोनों कहीं चले ना जाएं। उचित है पुत्र, हम यहाँ रुक जाएंगे, किंतु तुम्हें हमें एक वचन देना होगा। आप जो कहेंगी मैं सब करूंगा। अच्छा तो वचन दो कि आज के पश्चात तुम कभी किसी से भयभीत नहीं होगे और भय को अपने हृदय से सदा के लिए निकाल दोगे। वो मैं कैसे निकाल दूं माता, जब घने काले बादल हो और उस पर से कड़कती बिजली और अंधेरी रात, तो भय तो लगेगा ही ना, और ऊपर से डरावनी आवाजें। भयंकर लगे, ऐसे में मुझ जैसा बालक क्या, बड़े से बड़े आदमी भी भयभीत हो जाएं। पटतो नास्ति मूर्खत्वम्, अपनो नास्ति पातकम्, मोनिना कलहो नास्ति न भयम् चास्ति जागृत। अर्थात पढ़ने वाले को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, जपने वाले को पातक नहीं लगता, और मौन रहने वाले का झगड़ा नहीं होता, और जागृत रहने वालों को कभी भय नहीं होता। माता, जब मैं अकेला रहता हूँ तो भय अपने आप लग जाता है। उसका भी एक सरल उपाय है, ऐसे समय में तुम अपने हृदय से बात करने का प्रयास करो। मैंने वो भी कोशिश की थी, मेरी माँ ने भी सिखाया है ना, किंतु मेरा हृदय तो बस दुख दुख की आवाज ही निकालता है। मैंने उसे भी समझने की कोशिश की थी, पर उसमें भी प्रभु श्री राम का ही नाम सुनाई दिया। जब तुम अपने हृदय की सुनते हो तब तुम्हें प्रभु श्री राम का नाम सुनाई देता है। इसका अर्थ है प्रभु श्री राम तुम्हारे हृदय में बसते हैं, सदा तुम्हारे साथ रहते हैं। भरोसे राम के निर्भय होकर सो, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। भरोसे राम के निर्भय होकर सो,
आपने देखा प्रिय, कैसे इतने गूढ़ ज्ञान को इसने इतने सुंदर शब्दों में बांधा। एक दिन ये विख्यात कवि बनेगा, और इसके दोहों को संसार तुलसी के दोहों के नाम से जानेगा। तुलसी भरोसे राम की, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो। चले गए, मैं फिर से अकेला रह गया। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सोए। कल तो भोजन माता ने पका लिया था, किंतु आज तो कार्य मुझे ही करना होगा, और उसके लिए आग जोड़ने के लिए लकड़ी लानी होगी। मैं लकड़ी ले आता हूँ। नमस्कार, कृपा कर मुझे बताएंगे क्या यही सुकर क्षेत्र का मार्ग है? हाँ महात्मा जी, इस समय तो आप सुकर क्षेत्र में ही हैं। तो आप एक सहायता और कर सकते हैं, क्या आप उस बालक से परिचित हैं जिसने जन्म लेते ही प्रभु श्री राम का नाम लिया था? जन्म के समय उसके पूरे 32 दांत थे। नमस्कार। नमस्कार। बालक तो उसी की आयु का है, हो सकता है ये बता सके। प्रभु, अब गुरु और शिष्य की भेंट होने वाली है। अपने गुरु का साथ पाने के बाद रामबोला अकेला नहीं रहेगा। सुनिए महात्मा जी, मैं आपको बता सकता हूं वो बालक आपको कहां मिलेगा। मुझे याद है उस बालक के पिता का नाम आत्माराम दुबे है। हो सकता है उसके पिता को कोई निकट के गांव में जानता हो। आप आगे जाकर दाहिने मुड़ जाइएगा, वो मार्ग आपको सबसे पास के गांव में ले जाएगा। अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बालक तो फिर सामने आ गया, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। ये क्या हुआ स्वामी? गुरु शिष्य इतने निकट आने के पश्चात भी एक दूसरे से मिल ना सके? वो तो परस्पर भेंट करने के स्थान पर विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ममता ने आपको भी वशीभूत कर दिया है। जगत जननी होने के बाद भी आप ये भूल रही हैं कि नियति निर्धारित है। जिनके जीवन का उद्देश्य यदि एक दूसरे से मिलना हो,
और इतने निकट आने के पश्चात भी वो एक दूसरे से ना मिले तो अवश्य उसके पहले कुछ और होना भी आवश्यक है। लकड़ी की गठरी भी नहीं संभलती इससे तो अकेला जीवन कैसे संभालेगा। हमारे पास कोई नहीं रहेगा। राम बोला, देखो देखो लुढ़क गई तुम्हारी लकड़ी। और सोचने कितने वाली होगी अलग। ये दूसरों के लिए नहीं, ये तो अपने लिए भी अशुभ है। माता, आप चिंता मत करो पुत्र, तुम्हारी लकड़ियां भीग गई तो क्या हुआ, मैं लाई हूँ ना तुम्हारे लिए सूखी लकड़ियां, कुछ अन्न और सब्जियां भी हैं। मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन पका देती हूँ। माता, पुत्र, माता, मुझे खाने को नहीं मिला है। माता, रो नहीं पुत्र, सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है, सब मुझे अशुभ कहते हैं। तो उन्हें सुनो ही मत। मेरी माँ भी यही कहती थी कि किसी की मत सुनो, बस अपने हृदय की सुनो। किंतु हृदय तो एकदम मध्यम बोलता है ना, और बाकी सब जोर से। मैं उनको अनसुना कैसे करूं? मेरा मन तो करता है मैं सबको डांट दूं, जितना वो मुझे सुनाते उससे भी अधिक सुनाऊं। ये उचित नहीं पुत्र, हिंसा के बदले हिंसा, ये मानवीय गुण नहीं। तुम ऐसा कभी मत करना। मैं क्या करूं माता, आप ही बताइए ना। ध्यान करो, तुम्हारे निकट तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है। ये दूसरों के लिए नहीं, वो तो अशुभ भी अशुभ है। हमारे पास कोई नहीं आएगा। सच कहूं माता, मेरे मन में तो अभी तक वही सब गूंज रहा है जो उन्होंने मुझसे कहा। उसे भूल जाओ पुत्र, जो तुम्हारे निकट प्रकृति है वो क्या कहती है उसे सुनो। कोकिला का गान सुना मैंने, किंतु फिर मेंढकों ने टर्राना आरंभ किया तो कोकिला मौन हो गई। जिस प्रकार पावस ऋतु में मेंढक जब अधिक टर्राते हैं तो कोयल भी मौन धारण कर लेती है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान की बुद्धिमानी भी इसी में है कि वो मेंढक जैसे कपटी की तीव्र स्वर में एक ही बात बोलते रहना सुनकर शांत रहे। अर्थात मेंढक के समान व्यर्थ में टर्टर करने वालों को शांत करने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी चाहिए और कोयल की तरह मौन हो जाना चाहिए, है ना माता? हाँ पुत्र, तुम्हें अपनी ऊर्जा रचना करने की शक्ति को और बढ़ाने के लिए अपनी रचनाओं में लगानी चाहिए, अपनी प्रतिभा को और उजागर करना चाहिए। मैं जानती थी तुम शीघ्र समझ जाओगे पुत्र। चलो मैं तुम्हारे लिए भोजन पका देती हूँ। माता, क्या आज भोजन पकाने में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? अवश्य पुत्र, उचित है।
पावस समय कोकिला मौन मेंढक टरटर बोले पूछे कौन पावस समय कोकिला मौन मेंढक टरटर बोले पूछे कौन। पुत्र भोजन कर लो, अब अपनी निंदा से ऊपर उठ गया है राम बोला। क्या हुआ पुत्र, क्या कर रहे हो? जैसा आपने कहा था माता, मैं अपनी संपूर्ण ऊर्जा रचना में लगा रहा हूँ। अच्छा, तो क्या रचा तुमने? अभी सुनाता हूँ। लसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछे कौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछे कौन। बहुत सुंदर, भोजन करो पुत्र। अद्भुत, जो बालक इतनी कम आयु में बिना किसी शिक्षा को प्राप्त किए संसार के गूढ़ ज्ञान को अपने दुहों में कहने लगा, उसका भविष्य तो उज्जवल होना ही था। निश्चय ही जिसके हृदय में राम बसते हों और जिसे स्वयं माता पार्वती का मार्गदर्शन प्राप्त हो, जिन्होंने उसे अपनी कला को निखारने का मार्ग सुझाया हो, भविष्य में उस बालक की ख्याति तो सर्वत्र फैलने ही वाली थी। तो प्रभु, क्या माता द्वारा उसे मार्ग दिखाने के लिए ही गुरु से भेंट में उन्हें देर हुआ? कभी कभी एक सरल सी घटना के पीछे भी अनेकों कारण होते हैं। उन दिनों माता पार्वती प्रतिदिन आकर उसका ध्यान रखती और माता से पाए ज्ञान को राम बोला सरल शब्दों में अपने दोहों में गढ़ दिया करता था। उधर उसके भावी गुरु नरहरि दास जी ग्राम ग्राम जाकर अपने शिष्य राम बोला को ढूंढ रहे थे। वो इस यात्रा में सूकर क्षेत्र के अधिकतर ग्राम घूम चुके थे। फिर अंततः एक दिन, महात्मा जी, यही है आत्माराम दुबे जी का घर। प्रणाम। नमस्कार। हाथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्यव्रत राम भरोसे एक। अत्यंत सुंदर पुत्र, शब्द तो तुमने बहुत सुंदर बांधे हैं, अब इनका अर्थ विस्तार में समझाओ। मैं क्या समझा सकता हूँ माता, मैंने तो वही सब सुनाया जो आपने मुझे सिखाया है। विपत्ति में बस गुण ही काम आते हैं, विद्या बुद्धि विनम्रता साहस अच्छे कर्म सच्चाई और भगवान अर्थात प्रभु श्री राम में अटल विश्वास, ये सभी साथ आते हैं तो संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो दूर हो जाता है। सत्य सर्वथा सत्य। क्या हुआ पुत्र, किस विचार में डूब गए? माँ, मैंने तो जन्म से ही प्रभु श्री राम का नाम लिया है, मेरे हृदय में भी बस एक ही गूंज है, राम राम राम। और आपने भी मुझे यही सिखाया है कि जो मेरे हृदय में बसे हैं उन प्रभु श्री राम से यदि मैं ताज जोड़ के रखूंगा तो कभी अकेला नहीं रहूंगा। किंतु माता, जिनका नाम मेरे हृदय में धुप धुप करता है, मैं अभी उनसे भली भांति परिचित नहीं हूँ। आप मुझे बताइए ना, प्रभु श्री राम कौन है? प्रभु का परिचय तो प्रभु की इच्छा से ही होगा, किंतु मैं तो माँ हूँ, तुम्हारा लालन पालन, जीवन का प्रारंभिक ज्ञान देना और संतान को उचित पथ पर चलाना है मेरा कर्तव्य। और जो प्रश्न तुमने अभी पूछा है उसके उत्तर में तुम्हारे जीवन की दिशा निहित है, और उचित दिशा दिखाकर उस पर ले जाना किसी अन्य का कर्तव्य है। किसका माँ? गुरु का।
प्रणाम महात्मा जी, स्वागत है आपका। प्रणाम महानुभाव, क्या आप ही आत्माराम दुबे जी हैं? नहीं, वो तो अभी मंदिर गए हैं। आप मुझे आदेश दीजिए, मैं उनसे उनके विलक्षण पुत्र के बारे में पूछना चाहता हूं, जो पूरे 32 दांत के साथ जन्मा था और संसार में आने पर उसके मुख से निकलने वाला पहला स्वर था श्री। हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, और जन्म लेते ही हमने उसे इस घर से दूर कर दिया था। तब तो आप मुझे ये बताइए कि गुरु कौन होते हैं माता? गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, इसलिए सदा उनका नमन करना चाहिए। धर्मज्ञो धर्मकर्ता च, सदा धर्मपरायणा, तत्वेभ्यः सर्वशास्त्रात्। देश को गुरु उच्यते, धर्म को जानने वाले, धर्म के अनुसार आचरण करने वाले, धर्मपरायण और सब शास्त्रों में तत्व का आदेश करने वाले गुरु कहे जाते हैं। जो शिष्य को उचित ज्ञान प्रदान करते हैं, उसे सत्कर्मों पर चलना सिखाते हैं, भविष्य का मार्ग सुझाते हैं, वो गुरु होते हैं। जो शिष्य को उसके जीवन का उद्देश्य समझाकर उसे पूर्ण करना सिखाते हैं, वो गुरु होते हैं। तो बस मुझे इतना ही बता दे कि महात्मा जी, न मैं आपको कुछ बताऊंगा, न ही उसका नाम लूंगा। इस घर में उसकी चर्चा भी वर्जित है। अब और कोई सेवा नहीं चाहते तो आप यहाँ से प्रस्थान करें तो बड़ी कृपा होगी। जो आपको चाहिए वो मैं बता सकती हूँ। प्रणाम महाराज। उस बालक को लेकर के मैंने आपके प्रश्न सुने। उसके जन्म के समय उसको जन्म देने वाली दाई माँ मैं ही थी। परम सौभाग्य है आपका, जो ऐसे दिव्य बालक के जन्म का भाग बनकर उसकी साक्षी बनी। दिव्य? नहीं नहीं महाराज, वो अशुभ है। जन्म लेते ही जिसकी माँ की मृत्यु हुई, कुछ समय बाद उसका पालन पोषण करने वाली वो स्त्री भी चल बसी। जो भी उसके संपर्क में आता है उसका बुरा ही होता है। मेरा तो सुझाव है, उस अशुभ बालक से आप भी दूर रहिए। जिसके मुख पर जन्म से ही श्रीराम का नाम हो, वो भला अशुभ कैसे हो सकता है? जन्म देने वाली और पालन करने वाली, जो दोनों माताओं की मृत्यु का कारण बना, वो शुभ कैसे हो सकता है? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्वं जन्म मृत्युश्च तस्मात् परिहार्थे न त्वं शोचितु महर्षि। जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए किसी की भी मृत्यु का दोष किसी और पर मढ़ना नहीं चाहिए और ना ही उनकी मृत्यु का शोक मनाना चाहिए। तो बताइए मुझे, क्या उसके जन्म से पहले उसकी माँ सदा स्वस्थ रहती थी? नहीं, उन्हें तो भांति भांति के रोग सताते थे। उनके शरीर ने कभी उनका साथ नहीं दिया। जब वो गर्भवती हुई तभी मैंने उनको प्रसन्न और स्वस्थ देखा, किंतु जब वो शिशु 12 मास के बाद पैदा हुआ तब प्रसव के बाद ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। एक औरत को माँ का दर्जा तभी प्राप्त होता है जब उसकी संतान उसके जीवन में आती, चाहे वो जननी देवकी हो या पालनहार माता यशोदा। वो भी माँ तभी कहलाई जब उनके जीवन में कान्हा आए। मृत्यु से पहले उस शिशु ने आकर उन्हें माँ कहलाने का सुख दिया, क्या यह अशुभ था? किंतु फिर गुरुवर मुनिया भी तो नहीं रही? क्या इस बालक की देखभाल का दायित्व मिलने से पहले मुनिया की कोई संतान थी? नहीं महाराज,
परंतु उसे बालकों से सदा प्रेम था, सदा उनका ध्यान रखती थी। उसे अवसर मिला एक बालक को पाने का, जिसे वो अपना बुला सकती थी। अब आप ही बताइए, जिसके आने से सभी का अच्छा हुआ, वो बालक शुभ है या अशुभ? जो अज्ञानता का अंधकार भेदने सूर्य के समान आकर उसके जीवन को ज्ञान की किरणों से सींच देते हैं, शिष्य को अपना जीवन सार्थक बनाने की सीख देते हैं, वो गुरु होते हैं। जो इंद्रियों के आभास को दूर कर सांसारिक मोह माया को तज कर उसे अपनी शिक्षा से आत्मा का ज्ञान देते हैं और शिष्य की आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, जो तुम्हारे श्री राम से सदा के लिए तुम्हें जोड़ने आएंगे, वो गुरु होते हैं। इसलिए गुरु तो कृपा सागर हैं, नर रूप में हरि अर्थात स्वयं भगवान हैं। जब उनके दर्शन हो तो उनके पद कमल की वंदना कर उन्हें प्रणाम करना पुत्र। किंतु माता, वो शुभ घड़ी कब आएगी? मैं मेरे गुरु से कब मिलूंगा और कब करूंगा उनके पद कमल की वंदना? शीघ्र, अति शीघ्र। 12 मास के गर्भ का प्रसव सफलतापूर्वक कराने से गांव में मेरा भी सम्मान बढ़ गया। अब ऐसे समय में मुझे ही सब ढूंढते हैं। आप सत्य ही कहते हैं, वो बालक शुभ है अशुभ नहीं है, किंतु मैंने भी उसे अशुभ मान लिया। कैसा मैंने अपराध कर दिया! अब प्रभु श्री राम हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। प्रभु बड़े दयालु हैं, वो आप पर भी दया करेंगे, किंतु पहले मुझे उसे ढूंढने के लिए मेरी सहायता कीजिए। हरिपुर गांव के बाहर एक छोटी सी बस्ती है, वहाँ जो अंतिम घर है वो वही रहता है। मैं स्वयं आपको वहाँ ले चलूंगी। चलिए महाराज, आइए। दोषी तो मैं भी हूँ, जो ज्योतिषी जी के गणना का गलत अर्थ निकालकर सबके कहने पर सबके सामने मैंने अपने पुत्र को अशुभ कह दिया। तो क्या मुझे उन्हें जाकर ढूंढना होगा? नहीं पुत्र, वो स्वयं आएंगे तुम्हारे पास। पुष्प आपने मुझे क्यों दिए माता? मैं इनका क्या करूंगा? इनसे तुम अपने गुरु का स्वागत, उनकी वंदना करोगे पुत्र। किंतु माता, मुझे कैसे पता चलेगा कि यही मेरे गुरु हैं? मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? जब वो तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम्हारा हृदय उन्हें स्वयं पहचान लेगा। जब वो तुम्हारा नाम पुकारेंगे, राम बोला, राम बोला, राम बोला। क्या वो आ गए? क्या मेरे गुरु आ गए माता? जाओ पुत्र, अब अपने गुरु का स्वागत करो। राम बोला, क्या तुम हो वहां? मेरे निकट आओ, मैं नरहरि दास तुम्हें अपना शिष्य बनाने आया हूं। हर शिष्य चाहता है कि उसे एक योग्य गुरु मिले। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है एक गुरु को योग्य शिष्य का मिलना, जिसे वो अपना संपूर्ण ज्ञान दे सके। मैं तुम्हें केवल अपना शिष्य नहीं बनाना चाहता हूं, बल्कि तुम्हें अपने साथ ले चलने आया हूं, जिससे तुम्हें
शिक्षा का पूर्ण अनुभव दे सकूं। गुरुवर, आपके चरणों में मैं वंदन करता हूँ। आपकी कृपा तो सागर के समान है और आपका रूप वो तो हरि का ही रूप है। आपके वचन तो मोह रूपी अंधकार को दूर करने वाले हैं, जिसमें सूर्य की किरणों के प्रकार तेज है। आपको मेरा प्रणाम है गुरुवर। बंधु गुरु पदकंज, कृपा सिंधु नरूप हरि, महामो तपुंज, जासू बचन रवि कर्णिकर। हे गुरुदेव, मेरा आपसे निवेदन है, आप सूर्य के समान मेरे जीवन में प्रवेश कर अपने ज्ञान वचनों के किरणों से उस अंधकार को मिटाकर उसे प्रकाशित करें और मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार कर लीजिए गुरुदेव। कल्याण आवत्स, मैं अति प्रसन्न हूं कि तुमने मुझे मन से गुरु स्वीकार किया। इसका मतलब हम ही नहीं समझ पाए इसे, महात्मा जी की पारखी आंखों ने इसे देखते ही समझ लिया। हम तो इसे अशुभ समझते थे, किंतु है नहीं अशुभ। है नहीं और क्या, देखो तो इसे शिष्य बनाने से इतनी दूर का है महात्मा जी। ये अशुभ हो गया महात्मा जी को थोड़े क्या थोड़े क्या दे दूँ। आवत्स, मैं अति प्रसन्न हूँ कि तुमने मुझे मन से गुरु स्वीकार किया। इसका मतलब हम ही नहीं समझ पाए इसे, महात्मा जी की पारखी आंखों ने इसे देखते ही समझ लिया। हम तो इसे अशुभ समझते थे, किंतु है नहीं अशुभ। है नहीं और क्या, देखो तो इसे शिष्य बनाने से। तुम कह रहे हो कि महात्मा जी की बात ना सुनो, किंतु तुम्हारी बात को स्वीकार करूं मैं? बात मेरी यह अन की नहीं है भैया, बात तुम्हारे जीवन की। मैं आपके जीवन को कष्ट में नहीं देखना चाहता। तो क्या होगा, मेरा जीवन ही कष्ट में पड़ेगा, किंतु मेरा अंतर मन तो ग्लानी से मुक्त हो जाएगा ना। मुझे ये दुख तो नहीं होगा, क्या कारण ही मैंने अपनी संतान को अपने आप से अलग कर दिया। उसका मुख तक नहीं देखा मैंने। उचित है, जाना है तो जाइए, किंतु इतना सुन लीजिए, वो बालक अशुभ है और अशुभ की छाया ना बाबा ना, मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। मैं नहीं चाहता कि उस अशुभ की छाया मुझ पर पड़े, क्योंकि हम दोनों भाइयों में से कोई एक तो सुरक्षित रहेगा। भ्राता, आइए गुरुवर, मैं आपको माता से मिलाता हूँ, आइए। इन्होंने ही मुझे मेरे जीवन में माता का स्थान भरा और तो और गुरु वंदना का सुझाव भी दिया। गुरु का अर्थ क्या होता है वो इन्होंने ही मुझे। माता, माता अभी तो यहीं थी। तुम किन माता की बात कर रहे हो वत्स? उन्हीं की जो मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरे साथ रही। मैं सत्य कह रहा हूँ गुरुदेव, वो माता एक थी। पहली बार तो उनके साथ उनके पति देव भी आए थे, जिनका नाम भोला था और माता का नाम गौरी। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशि शेखरः। जिन भोला शंकर प्रभु
और माता गौरी पार्वती ने मुझे तुम तक पहुंचाया, उन्होंने ही तुम्हारा भी ध्यान रखा। आप किसकी बात कर रहे हैं गुरुदेव? तुम अभी नहीं समझ पाओगे वह, किंतु शीघ्र ही तुम उनका परिचय प्राप्त करोगे। अब बिना विलंब किए मेरे साथ अयोध्या मेरे आश्रम चलो, वहां तुम्हारी विधिवत शिक्षा प्रारंभ होगी। गुरुदेव, तो क्या वहां आप मुझे प्रभु श्री राम की कथा और उनकी महिमा बताएंगे? अवश्य राम बोला, अवश्य आओ। राम बोला, मैंने उसके साथ कितना अन्याय किया है, मैं उससे क्षमा कैसे मांगूंगा? राम बोला, राम बोला। इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर? मेरा पुत्र तो ठीक है ना? आत्माराम जी यहाँ? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? राम बोला, राम बोला, राम बोला, राम बोला। कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? राम बोला। अब उसे ढूंढने से कोई लाभ नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है। कहाँ जा चुका है? कहाँ जा चुका है मेरा पुत्र? जिसे हम अशुभ मानते रहे, उसकी दिव्यता को एक गुरु महात्मा ने पहचाना और अपने साथ उसे ले गए। ये मैं कैसे भूल करती तेरे राम बोला पुत्र, तुमसे एक बार मिलने का अवसर तो मिलना चाहिए था। जब समय रहते व्यक्ति अपनी भूल नहीं सुधारता तो पछताने के सिवाय उसके पास और कोई विकल्प नहीं रह जाता। यही हुआ आत्माराम जी के साथ, वो चाह कर भी अपने पुत्र से नहीं मिल पाए। एक ओर वो अपने पुत्र को ढूंढ रहे थे तो दूसरी ओर उनका पुत्र राम बोला से गोस्वामी तुलसीदास बनने की अपनी यात्रा पर अग्रसर था। इसमें तुम्हें उसी प्रकार ताप का सामना करना होगा जैसे किसी को जीवन के भिन्न भिन्न चरण में जीवन की कठिनाइयों के ताप का सामना करना होता है। उपरांत जिस प्रकार सोना तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन के सभी विकारों से मुक्त होकर कुंदन समान पावन हो जाओगे। गुरुदेव ने उचित कहा था, मुझे तो नवीन ऊर्जा का आभास हो रहा है। वैष्णव संस्कार का दूसरा चरण है ऊर्ध्व पुंड्र संस्कार, जिसमें मस्तक पर श्री विष्णु चरण तल तिलक धारण कर
व्यक्ति अपने आगामी जीवन के लिए विद्या प्राप्ति के द्वार खोलता है, उसे अपने जीवन में उतारने का सामर्थ्य पाता है। अब वैष्णव संस्कार का ये तीसरा चरण है, जिसमें एक नया नाम दिया जाता है। अब राम बोला को वो नाम प्राप्त होगा जिससे वो अनंत काल तक आदर पूर्वक जाना जाएगा। तुम्हारे नए नाम का आरंभ तू से होना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तुलसीदास 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 तुलसीदास। आज के बाद तुम तुलसीदास कहलाओगे। अपना सामान क्यों बांध रहे भैया? अब कहाँ की यात्रा का विचार है भैया? चौथा चरण है मंत्र संस्कार। अब मैं तुम्हें अष्टाक्षरी मंत्र देने जा रहा हूं। ये मंत्र तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। इस प्रकार तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के प्रति अटल निष्ठा जागृत कर उसकी ओर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। ओम नमो नारायण। अब वैष्णव संस्कार का पांचवा और अंतिम चरण है यज्ञ। इससे तुम्हारी आत्मा की शुद्धि होगी और तुम वेदों और पुराणों के गुण ज्ञान को सरलता से सीख पाओगे। अब तुमने एक नया जन्म लिया है और अब तुम्हारी शिक्षा आरंभ होगी तुलसीदास। कुछ भी हो जाए, मैं अपने पुत्र को ढूंढ कर उसे यहां लौटा कर लेके आऊंगा। मैं वचन देता हूं गुरुदेव, मैं ज्ञान प्राप्ति में पूरी निष्ठा से प्रदर्शन करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं और आपको निराश न करूं। बिना एक भी पल डगमगाए पूरी एकाग्रता के साथ एकमात्र लक्ष्य पर आपके दिखाए हुए पद पर आगे बढ़ूंगा। इस प्रकार जहां एक ओर गुरु को योग्य शिष्य मिला और शिष्य को श्रेष्ठ गुरु का मार्गदर्शन, वहीं दूसरी ओर पिता आत्माराम अपने पुत्र का साथ पाने की आस में उसे ढूंढने निकल पड़े थे। हे प्रभु श्री राम, मेरी भूल को सुधारने में और मेरे पुत्र को वापिस लाने में आप मेरी मदद करो। प्रभु मेरी मदद करो। जिसने जन्म से ही अपने पुत्र को त्याग दिया, क्या उसके पिता को उसके जीवन में आने का अधिकार था? प्रायश्चित वो गंगा है जिसमें स्नान करने के बाद व्यक्ति दोष से मुक्त हो जाता है। प्रभु उसे क्षमा दान देते हैं। आत्मा राम जी की ये यात्रा प्रायश्चित की यात्रा थी। वहीं दूसरी ओर तुलसीदास जी की यात्रा तुलसी से महान भक्त गोस्वामी तुलसीदास बनने की थी, किंतु ये तभी संभव था जब वो अपने हृदय की सुन प्रभु को पा सके। माता जिस प्रकार अपने प्रत्येक संतान की इच्छाओं को जानकर उनकी रुचि के अनुसार भोजन तैयार करती है, उसी प्रकार एक गुरु के लिए अति महत्वपूर्ण है कि वो अपने शिष्यों के हृदय की बात जाने। तभी मैं तुम्हारा गुरु, तुम शिष्यों का मार्गदर्शन कर तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य पाने में समर्थ बना सकूं। अब एक एक कर मुझे बताओ तुम्हारे हृदय में क्या है? स्वादिष्ट मालपुआ, अपने पिता की मिष्ठान की दुकान के सभी स्वादिष्ट मिष्ठान मेरे मुख में आ जाए और बिना मेरे कुछ किए आते ही जाए और मैं उनका आनंद लेते ही जाऊं। Thank you.
बताओ। मैं तो बड़ा योद्धा बनना चाहता हूँ, जिससे मैं सबको परास्त करके सब पर राज कर सकूं। तुम बताओ। गुरुवर, मैं महाज्ञानी बनना चाहता हूँ। मेरे से ज्यादा ज्ञान किसी के पास ना हो, जिससे मैं राजा का सलाहकार बन सकूं। जैसे मेरे पिता के सामने सब झुकते हैं, वैसे मेरे सामने भी सब झुके। कितना भी ध्यान से सुनो, किंतु मेरे हृदय से तो जैसे एक ही शब्द निकलता है। तुलसीदास, तुमने नहीं बताई अपने हृदय की बात, तुम भी बताओ तुम्हारा हृदय क्या चाहता है। राम, राम, बाकी तो राम ही है। इसमें हंसने की क्या बात है? क्षमा कीजिए गुरुदेव, किंतु मेरे हृदय की हर एक दुख दुख में केवल एक ही शब्द सुनाई देता है, राम, राम। इसका अर्थ तुम्हारे हृदय में श्री राम बसे हैं। अन्य सभी अपने हृदय को पूर्ण रूप से नहीं समझ सके, किंतु तुम उसके स्पंदन को समझ गए। तुम्हारे हृदय की एक ही लगन है, एक ही रुचि है, प्रभु श्री राम। तो क्या इसका अर्थ है मेरा जीवन प्रभु श्री राम से जुड़ा है? हाँ तुलसीदास, तुम सबका पहला पाठ है लक्ष्य को समझना, क्योंकि लक्ष्य ही जीवन की दिशा तय करता है और एकाग्र मन से ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तुलसीदास जानता है वो जीवन में क्या चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है। उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन के लक्ष्य को तय करो, अपने हृदय की इच्छाओं को भटकने मत दो, अपने हृदय की गहराई में जाओ, उसे समझो और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित हो जाओ। नहीं निसार संसार विकारा प्रभ विष्णुवः, अर्थात मनुष्य का हृदय ऐसे किसी सांसारिक इच्छाओं से नहीं भरता। सांसारिक भावनाओं से घिरना विकारों में उलझना होता है। जो भी उसके प्रभाव में आता है उलझकर अपने लक्ष्य से भटक जाता है। योद्धा, संगीतज्ञ या मंत्री, इनमें से कुछ भी बनना अनुचित नहीं है, किंतु उसका उचित कारण और उद्देश्य होना आवश्यक है। अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा हो तो कुछ भी असंभव नहीं, फिर भले ही वो इच्छा प्रभु श्री राम को पाने की ही क्यों ना। पुष्प की सुगंध और सुंदरता का श्रेय उस माली का है जो पौधे का बीज रोपकर उसका पोषण करता है। उसी प्रकार ज्ञानी शिष्य का श्रेय उस गुरु का है जो शिष्य के मन में ज्ञान का बीज रोपता है। वही आज तुलसीदास को उसके जीवन की प्रथम सीख देकर गुरु नर हरिदास ने किया, जिससे तुलसीदास भक्ति की महानता के शिखर पर पहुँच कर महान संत तुलसीदास कहलाएंगे। एक ओर तुलसी ज्ञान के अनंत सागर में उतरता जा रहा था, तो दूसरी ओर अपने पुत्र की खोज में उनके पिता एक आश्रम से दूसरे आश्रम उसे ढूंढ रहे थे, किंतु दोनों की ही खोज का कोई अंत नहीं था। आप आज का पाठ यही समाप्त कर रहे हैं? हाँ तुलसी, किंतु तुम्हारी ज्ञान की प्यास अभी बुझी नहीं है। हाँ गुरुदेव, वेद में तो इतना अपार ज्ञान है, एक पूरा जीवन भी उसे आत्मसात करने में कम पड़ जाए और मैं एक भी पल बिना गवाए आपसे सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम उचित कहते हो वत्स, वेद तो ज्ञान के भंडार है, इसमें निहित सारा ज्ञान मैं भी तुम्हें नहीं दे सकूंगा।
राजेश, यदि आप मुझे सारा ज्ञान नहीं दे सकते तो मैं ज्ञान को प्राप्त कैसे करूंगा? वत्स, ज्ञान तो प्रभु के समान अनंत है, जितना भी प्राप्त करो कम है, किंतु आवश्यक ये है कि जो भी प्राप्त करो उसे गहराई से समझकर आत्मसात कर। और कुछ ज्ञान ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति स्वयं अपने अनुभव से अर्जित करता है, वो ज्ञान तो तुम्हें स्वयं ही प्राप्त करना होगा। किंतु गुरुदेव, मैं स्वयं अपने अनुभव से कैसे सब कुछ सीखूंगा? माता गौरी ने तो कहा था कि गुरु ही सब कुछ सिखाते हैं। जो मैं जानता हूँ वो तुम्हें सिखाऊंगा, किंतु जो मेरे ज्ञान से परे है वो तुम्हें स्वयं ही पाना होगा। गुरुस्तु दीप वन मार्ग दर्शक, अर्थात गुरु वो दीपक है जो अपने प्रकाश से शिष्य को ज्ञान का मार्ग दिखाता है, किंतु उस ज्ञान प्राप्ति के बाद पर तुम्हें स्वयं ही चलना होगा। मुझसे प्राप्ति ज्ञान से तुम स्वयं ही सीखना सीख जाओ। वो कैसे होगा गुरुदेव? ईश्वर द्वारा रचित प्रकृति स्वयं एक शिक्षक है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो आपके कहने का अर्थ है मैं प्रकृति से सीखकर अपने बारे में ही ज्ञान प्राप्त करूंगा? हाँ वत्स, आत्मज्ञानम परम ज्ञान, जो अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो अपने राम को भी पा लेता है। उचित है गुरुदेव, मैं आज से ही आत्मज्ञान के प्रति जागृत हो जाऊंगा। इसी तरह अपने गुरु द्वारा दिए ज्ञान का प्रयोग कर तुलसीदास प्रभु श्री राम के निकट पहुंचने का मार्ग ढूंढने वाला था।